नोएडा के सेक्टर 63 स्थित लावा कंपनी के बाहर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी सैलरी और कंपनी प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किए जाने के विरोध में कंपनी के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। सूचना मिलते ही एडिशन डीसीपी और कोतवाली फेज 3 की पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को शांत कराकर कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, लावा कंपनी के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि लावा कंपनी प्रशासन की ओर से लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया। यहां पर सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कंपनी वाले वर्कलोड लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 11 घंटे के काम को 8 घंटे में पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है। इसका विरोध करने पर आज रात को 8 लड़कों को जबरदस्ती उठाकर अंदर ले गए और वहां कमरे में बंद करके उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। साथ ही साथ जान से मारने की भी धमकी दी गई। इसी से गुस्सा होकर सुबह सभी कर्मचारी एकत्र होकर सड़क जाम करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम सैलरी के लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या नाम है, तो प्लान के बढ़ाते जा रहे हैं। 11 घंटे का प्लान 8 घंटे में करवा रहे हैं। बदतमीजी आज ये की गई कि 8 लड़कों के रात में आए हैं, जबरदस्ती उठा के लेके गए अंदर, कमरे में बंद करके उन्हें टॉर्चर किया गया है। नहीं, अभी कोई कंपनी प्रशासन कोई बात करने की तैयारी नहीं हो रहा है। सिचुएशन नॉर्मल है, अभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनके एचआर के रिप्रेजेंटेटिव भी आ गए। कंपनी का जो मालिक है उनको भी बुलाया जा रहा है। इनके सैलरी इशूज़ हैं और लेट आवर्स का काम का और संडे की शिफ्ट को लेकर इशू हैं, तो वो इनके कंपनी के मालिक से बात कराई जा रही है। और इनके जो भी लेबर के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बुला लिया है। कोई भी अगर लेबर का यहाँ पे उनके साथ प्रताड़ना हो रही है तो वो लेबर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि कंपनी लेबर को तंग कर रही है। तो वो सारे इशू सबको यहाँ बुला लिया, सबसे बात कराई जाएगी और इसका जल्द समाधान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लावा कंपनी कर्मचारियों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए और स्थिति को काबू करने में जुट गए। एडिशनल डीसीपी का कहना है कि अभी सिचुएशन नॉर्मल है, वर्कर यहां पर बैठे हुए हैं, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है, उनके मालिक को भी बुलाया जा रहा है। इनकी सैलरी का मसला है और काम के घंटे का, साथ ही संडे शिफ्ट को लेकर के भी मसला बना हुआ है। इनकी कंपनी और मालिक से बात कराई जा रही है। लेबर विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, सबसे बात करके इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट।